हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ट्रिक में मैं आपको स्केचअप की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रिक है जो आपके लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और ये ट्रिक आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ट्रिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसको मैं पुश करता हूँ कुछ इस तरीके से, पर ये ऑब्जेक्ट अब ये ग्रुप में या कंपोनेंट में नहीं है। और अगर मैं इसके किसी भी फेस पे एक शेप बनाता हूँ, मान लो रेक्टेंगल, तो आप देखेंगे ये वाली शेप इसी के साथ मर्ज हो जाएगी। अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये इजिली पुश पुल अंदर की तरफ इस तरीके से हो जाएगा, या फिर इस फेस को भी मैं पुश और पुल कर सकता हूँ। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट अलग हो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ट्रिपल क्लिक करके एक कंपोनेंट या ग्रुप में क्रिएट कर लेते हैं। एंड ओके, अब ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया और इसके ऊपर अगर आप कोई भी एक रेक्टेंगल बनाते हो तो ये आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और दोनों ही डिफरेंटली अपना बिहेव करेंगे। क्लियर है? बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज दिस कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम इस कंपोनेंट को, इसको जो आपका 3D मॉडल है या वॉल हम काफी सारी बनाते हैं, उसको कंपोनेंट क्रिएट ही नहीं करते। ठीक है, अगर कंपोनेंट क्रिएट नहीं करते और स्टिल मैं चाहता हूं कि उसकी वॉल पे मैं कोई भी डिजाइन बनाऊं तो वो ऑलरेडी किसी भी ग्रुप या कंपोनेंट में ही आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, ये आज की ट्रिक है। अब ये मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे और इसको मैं विदाउट कंपोनेंट क्रिएट किए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूं वो एक अलग से कंपोनेंट या ग्रुप में मेरा बने। तो उसके लिए सिंपल आपको एक ट्रिक यूज करनी है। आपको ब्लैंक पेज पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक कंपोनेंट एंड मेक ग्रुप। आपको कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपने मेक ग्रुप पे क्लिक किया, अब अगर आप जो भी बनाओगे यहाँ पे ये आपका एक डिफरेंट ग्रुप होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करते हो, बाहर डबल क्लिक करोगे तो ये आपका अलग ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे सरफेस है और ये आपका एक ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप आ जाएगा जो आप वन क्लिक में सेलेक्ट कर सकते हो या डबल क्लिक करके फिर आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो ये है ट्रिक जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कभी कभी क्या होता है कि जो हम वॉल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये हमने वॉल को क्रिएट किया कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर हमें कुछ भी बनाना होता है बट वो ऑब्जेक्ट मैं अलग से चाहता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, मेक ग्रुप या मेक कंपोनेंट पे क्लिक करो, कोई भी शेप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे शेप क्रिएट जो करोगे वो आपका एक अलग से कंपोनेंट होगा जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। अंडू, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। अब देखो आपका ये इस तरीके से डल हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पे बनाओगे, पुश पुल करोगे तो वो एक इंडिविजुअल ग्रुप का आपका पार्ट होगा, ये आपका इंडिविजुअल ग्रुप होगा। तो ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।